गाइस अभी गाइस हम संजा के लिए निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? हम संजक जा रहे हैं सर जी। तो संजक में बड़ा पार्टी है सर, पार्टी है हमारा, रिटायरमेंट पार्टी है मास्टर जनाब मास्टर आपू सर सर का। वो आज रिटायर होके जा रहे हैं तो हम उसके उसको खिताब पहनाने जा रहे हैं अभी, उसको मुबारकबाद देने के लिए देने के लिए। तो बस अभी हम शगरन से निकल रहे हैं, हमारा चिकतन शगरन बुझदा तो देखिए अभी व्यू दिखाता हूँ चिकतन शगरन का। ये देखिए तो गैस हम निकल चुके हैं, आप लोगों का इस व्लॉग में स्वागत है। तो सभी लोग निकल चुके हैं तो अभी हम लास्ट में देख सकते। तो मास्टर गुलजार साहब चला रहा है अपना गाड़ी, बहुत ही मोस्ट सीनियर ड्राइवर माना जाता है भाई, देख सकते हैं आप इसकी ड्राइविंग को। तो गाइस आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला यहाँ से जा रहा है, तो साइड का व्यूज भी आप लोगों को दिखाता चला जाऊंगा, आप लोग नजर ले रहे हैं। तो गाइस मस्त व्यू आ रहा है, तो आप सामने देख सकते हैं साइड से, और तो आप देख सकते हैं कितने गाड़ियां हैं पूरा मतलब चिकतन के पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के पूरे टीचर मुलाजमिन यहां पे दावत के लिए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं भाई आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक ये है, इसीलिए आज हमने मास्टर गुलजार को लाया है। एक बार गलती से अगर कहीं पिंक शैंपेन आई एम टोटली वाइबिंग, इट्स ट्रू व्हाट दे से, it's all about timing, I'm doing okay, for the first time in a while, can't help but love my style, just caught in the feeling, of so much glitter, you can't forget her, a superstar, like ooh, we just get better, our dreams get I'm not afraid to die.
अब माशुगुलू की आवाज में ये वाला गाना सुन लीजिए। गाइस अभी हम बस संजक चंद मिनटों में संजक पहुंचने वाले हैं। बस देखिए आप लोगों को ये व्यू दिखाता हूँ। ये देख भाई नज़ारा, बस पहुंच गए भाई, ये संजक पहुंच गए हम। ये देख भाई संजक। तो गाइस अभी हम संजक गांव में एंटर कर चुके हैं, जहां से मेन रोड से अंदर गांव की तरफ जो लिंक रोड जाते हैं वहां पे हम उस रोड के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से देख भाई पूरा जाम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि गांव के रिश्तेदारों ने उनके लिए चाय का इंतज़ाम किया होगा, जगह जगह चाय निकाला जाता है कि उनकी स्वागत के लिए। तो अभी इधर थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, देखिए तब तक आप लोगों को साइड का नज़ारा दिखाता हूँ। ये है खुबानी का पेड़, देख सकते भाई। ये अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा भाई, हमारे को स्वागत किया जा रहा है। फटी और ड्राई फ्रूट केस ये था दम ना पता कि मैं लग हां जनता फेजे ये मोस दादा दुरिया भी मजे स्कूल में को है ना पूछे तो गाइस बस अभी हम पहुंचने वाले हैं मास्टर अबाजर के घर के सामने पहुंचने वाले हैं। तो यह है संजक के अंदर के गांव का व्यू। तो अभी हमें पार्किंग के लिए जगह ढूंढना पड़ेगा भाई, क्योंकि आज बहुत सारी गाड़ियां हैं तो पार्किंग का दिक्कत हो सकती है। तो अभी हमारा गुल्लू भाई अभी पार्किंग के लिए जगह ढूँढ रहा है, आगे जाके पार्किंग पर लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये आगे जाके पार्किंग पर लगाएगा, इसके बाद हम उतरेंगे भाई गाड़ी से। गाइस आप देख सकते हैं कि पूरे शकर चिकन में यहाँ पे ये रिवाज है कि कोई भी फंक्शन हो तो सबसे पहले चाय से शुरू की जाती है। सबसे पहले चाय दिया जाता है मेहमानों को, इसके बाद खाना दिया जाता है। तो अभी हमें चाय परोसे जा रहे हैं, पहले चाय इसके बाद खाना। तो आप देख सकते हैं सभी लोग चाय गर्म गर्म चाय, क्योंकि आज कल ठंड भी है, मौसम ठंड चल रहा है। तो ये था भाई फंक्शन ख़त्म हो गया, अब हम लौट रहे हैं घर की तरफ। तो बहुत टाइम भी बहुत हो चुका है, तो चलते हैं घर की ओर। तो गाइस अब लोगों को बताता चलूं, क्योंकि विंटर का सीज़न आ चुका है, तो विंटर में हमें एक चीज़ की बहुत कमी, वो शॉर्टेज होती है हमें मीट और चिकन की, क्योंकि जोजिला दर्रा बंद हो जाने की वजह से सप्लाई नहीं पहुँच पाती है और उसकी शॉर्टेज रहती। तो आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपने सब डिवीजन में एक पोल्ट्री फार्म खुला है इस साल, जो कि पारग्यू में है, जिसका ओनर है लियाकत अली खान, जिसका कांटेक्ट नंबर आप लोगों को यहां पर स्क्रीन पे मैं शेयर करता हूं। आप लोग कभी भी इसको कॉल कर सकते हैं और अपने डिमांड दे सकते हैं इसको। तो पूरे विंटर के लिए उन्होंने स्टॉक करके रखा है, ऐसा इनका कहना है। तो आप कभी भी आ सकते हैं, बस चिकन हेडक्वार्टर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है पारग्यू, तो खंगरल से भी 5-6 किलोमीटर पर है, तो कभी भी आ सकते हैं। देखिए चिकन, ये देखो भाई इनका पोल्ट्री फार्म, यहाँ पे पहुँच गए हम। ये देख पोल्ट्री फार्म शकर चिकन।
तो ऐसा पोल्ट्री फार्म पूरे सब डिवीजन में कहीं भी नहीं है, ये पहला पोल्ट्री फार्म है। तो यहाँ पे पूरे विंटर के लिए स्टॉक रखा जाएगा, तो आप लोग इनसे रब्ता करके कभी भी आ सकते हैं और यहाँ से अपने चॉइस के हिसाब से आप चिकन जो भी तो आप लोग कभी भी आ सकते हैं। ये पारग्यू में आप सीधे आ जाइए, इमाम बाड़ा के पास इनका घर है, वहीं पे इनका पोल्ट्री फार्म है इनके लिए। हाँ, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखकर आए तो इनसे मेरा नाम लेगा तो आप लोगों को 10-20 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। तो आप लोग इनको मेरा बताएगा तो आप लोगों को 10-20 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएंगे।